सो हे यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जिस चीज का हो रहा था इंतजार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फाइनली उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। आरसीबी ने अपना आठवां और आखिरी फॉरेन प्लेयर की अनाउंसमेंट कर दी है, अपने चौथे रिप्लेसमेंट की अनाउंस कर दी है, और वो है जॉर्ज गार्टन। ये ऑब्वियसली 101% पहले भी न्यूज निकल कर आ रही थी कि आरसीबी इंग्लैंड के प्लेयर जॉर्ज गार्टन को साइन कर सकती है, बातचीत चल रही है। मैंने भी ये पढ़ा था, लेकिन यार कुछ कंफर्मेशन पूरी ऑब्वियसली निकल कर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। लेकिन हाँ, ये पहले से निकल कर आ ही रहा था, दो दिन से खबर चल रही थी कि आरसीबी इंग्लैंड के जॉर्ज गार्टन को साइन कर सकती है, और अब यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। आरसीबी ने ये पोस्ट करते हुए लिखा है, टैलेंटेड ऑलराउंडर फ्रॉम इंग्लैंड जॉर्ज गार्टन विल जॉइन द आरसीबी फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ आईपीएल 2021। ही कंप्लीट्स आवर ओवरसीज प्लेयर्स कोटा फॉर द सीजन। वेलकम टू द टीम जॉर्ज। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। जॉर्ज गार्टन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और अच्छी बॉलिंग करते हैं। इनकी अगर फास्ट बॉलिंग देखोगे ना, तो तेज तर्राट, मतलब अच्छी गति है इनके पास। तो देखते हैं अब क्या करते हैं जॉर्ज गार्टन आरसीबी की टीम में। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, केन रिचर्डसन का आखिरी रिप्लेसमेंट है। सो या एक बार फटाफट से जॉर्ज गार्टन के स्टैट्स की बात कर ली जाए, तो जॉर्ज गार्टन ने मतलब इंग्लैंड के ये बॉलिंग ऑलराउंडर आप मान सकते हो, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, सीम वगैरह अच्छी है, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 23 मैचेस में 53 विकेट्स हैं, लिस्ट करियर में 24 मैचेस में 29 विकेट्स हैं, और T20 में 29 मैचेस में 34 विकेट्स हैं। तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यहां पर T20 में, 8.06 की इकोनॉमी है। लेकिन ये अच्छे बॉलर हैं, इनको बॉलिंग करते हुए आप देखना, मैं इसके इस वीडियो के बाद इनकी बॉलिंग वाली वीडियो भी डाल दूंगा, तो वहां से आप समझ सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं अब बैटिंग स्टैट्स की। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 23 मैचेस में 542 रन है, लिस्ट करियर में 24 मैचेस में 103 रन है, और 29 मैचेस में 158 रन है T20 में। लेकिन T20 में इनकी एवरेज 26.3 की है, और 26 की एवरेज एक बहुत अच्छी प्लेयर की निशानी होती है, मतलब अच्छी एवरेज यार 26 की एवरेज, और क्या ही लोगे बंदे से। नंबर 7 या नंबर 8 पे भी अगर आरसीबी इनको खिलाती है, तो अच्छी बैटिंग है करके दे सकते हैं, बैटिंग एबिलिटी है। लेकिन अब देखते हैं क्या प्लेइंग 11 इनको जगह मिलेगी। बहुत कम ऑप्शंस मेरे को तो लग रहे हैं, बहुत कम चांसेस मेरे को तो लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, काइल जेमिसन, तीन फॉरेन प्लेयर फिक्स है, और इसके अलावा आप वनिंदो हसरंगा को खिलाओगे, अगर हसरंगा नहीं तो फिर दुष्मंता चमीरा आ सकते हैं। देखते हैं अब क्या जॉर्ज गार्टन प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे या फिर बेंच पे बैठने वाले हैं, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी ने सही किया जॉर्ज गार्टन को लेके, नीचे कमेंट करके बता देना। मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, ठीक है।